Cause I just wanna go, go, go to the deep end. इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर लेके आ गया हूँ और बहुत सारे लाइक्स आप लोग दे रहे हैं। इतना मजा आ रहा है दोस्तों टेक न्यूज देने में। वैसे ही लाइक देते रहना, नहीं तो आपको पता है ना पानी नहीं मांगेगा, समझा गया? पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप लोग 4G विद क्रेजी स्पेक्स या 5G विद डिसेंट स्पेक्स, 80% से ज्यादा लोगों ने टूट पड़े और बोला कि 4G विद क्रेजी स्पेक्स। काफी सारे लोगों ने तो कमेंट में ये भी बोला कि यार पहले 4G ठीक से चल जाए फिर 5G की बात करिए। आज भी 4G 2G जैसा चल रहा है एंड आई कैन फील इट। आज हमने किया मोटो G40 फ्यूजन और मोटो G60, उनकी अनबॉक्सिंग अगर आपने नहीं देखा है देख लेना, बड़े इंटरेस्टिंग फोन है और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ इस पर और वीडियोस बनाया जाए क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था, तो जरूर बनाएंगे। लाइक करते रहिए दोस्तों, खूब सारे लाइक्स चाहिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मीडियाटेक से। आज इंडिया में मीडियाटेक ने अपने डायमेंसिटी 1200 चिपसेट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। यस, और ये जो चिपसेट है बड़ी पावरफुल है, 5G है, 6 nm वाली है, UFS 3.1 स्टोरेज है, अप टू 200 मेगापिक्सल कैमरा और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। ये उनका अभी तक का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है और ऐसा लग रहा है कि अगले महीने से बहुत सारे फोन्स इंडिया में आएंगे जो इस चिपसेट के साथ में होंगे, जैसे कि Realme GT Neo, Poco F2, Oppo Reno 6 सीरीज वगैरह वगैरह। यस, अब देखते हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग चिपसेट है, कौन सा फ़ोन सबसे पहले आता है और क्या प्राइस पर आता है अगले महीने ही पता चलेगा। आपको बताया दोस्तों, इंडिया के अंदर पिछले एक साल के अंदर 59% लोग जो है वो साइबर क्राइम का शिकार बने हैं, जो एक बहुत ही बड़ी खबर है और काफी सैड न्यूज है। 27 मिलियन इंडिया के अंदर जो इंटरनेट यूजर्स है वो आइडेंटिटी थेफ्ट का भी शिकार बने हैं और उसमें से 52% लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं कि इसमें क्या करना है, यानी कि इंडिया में हर 2 में से 1 बंदा इस चीज का शिकार है। ये एक्चुअली एक सैड न्यूज है। मुझे लगता है ज्यादातर अभी हम जो पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन आए ना, वर्क फ्रॉम होम वगैरह, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आपको बचना है दोस्तों इससे, कैसे भी करके बचना है। अलग अलग तरीके से लोग आपको ट्रिक करेंगे, जब तक आप श्योर नहीं है आप कभी भी आगे कदम मत बढ़ना। और ये सुनकर एक्चुअली में मुझे बहुत बुरा लगा। एप्पल ने कर दिखाया, हाँ, आईफोन 13 सीरीज जो इस साल आने वाली है, हाँ, वो टॉप क्लास फीचर्स, 120Hz अंडर डिस्प्ले कैमरा और फिर वो पता नहीं। तो अभी दोस्तों आईफोन 13 सीरीज में जो सबसे हायर वाला वेरिएंट होगा उसमें आपको 1 TB वाला वर्जन भी देगा, 1 TB स्टोरेज भी आपको मिलेगी। ये एप्पल ऐसा बोल रहा है कि लेके आएगा, मतलब क्या चाहिए आपको? आंखें भी निकाल ले, डोनेट कर दे सब कुछ, फिर आप खुश रहेंगे क्यों? 64GB भी आप 90,000 में बेच रहे थे इंडिया में, काई को मत करो, 1 TB नहीं चाहिए हमको। इंडिया में दोस्तों जियो और आईटेल की बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप यहां पर होने वाली है और मई से, यानी कि अगले महीने से काफी अफोर्डेबल रेंज के आपको फोन्स यहां पर इंडिया में मिलेंगे। ये तो 4G हो सकते हैं या 5G हो सकते हैं, अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए, आईटेल जो है वैसे भी ऑफलाइन मार्केट में बहुत अफोर्डेबल फोन्स लॉन्च करता है और जियो तो उनके प्लान से जाना जाता है। अब इनका कॉम्बिनेशन होगा, मिलकर ये लोग फोन्स लॉन्च करेंगे, अच्छी प्राइस पर आएगा तो अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों, शुरुआत हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ साइन हो गया है। मेरे को भी ऑफर आया था, मोटा भाई बोले आ घर पे बातचीत कर चाय वाय पी, मतलब अभी बिजी हूँ, टेक न्यूज़ देता हूँ ना इसके लिए। सैमसंग ने इंडिया के अंदर अपने कस्टमर्स के लिए काफी राहत यहाँ पर लेके आ गया है। पेंडेमिक की वजह से सैमसंग अब आपको होम पिकअप और ड्रॉप सर्विस यहाँ पर दे रहा है। अगर आप सैमसंग के फोन्स और टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, घर बैठे बैठे कुछ हो जाता है, आपको वहां पर सर्विस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर केयर में कॉल करिए या व्हाट्सएप सपोर्ट, जहां पर भी आपको ठीक लगे वो आपके घर पे आएंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे, लेके जाएंगे, बनाएंगे, वापस आपको लाके दे देंगे। और इसकी कुछ फीस है, आई थिंक 100 रुपये से स्टार्ट होता है। यस, 46 सिटीज में वो ये अवेलेबल कर रहे हैं, मेजर सिटीज इसमें कवर हो जाती है। तो अगर आप सैमसंग के फोन यूज करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी चीज जो सैमसंग यहाँ पर करता है और सैमसंग की यही चीज मुझे अच्छी लगती है, तो जाइए इस्तेमाल करिए तभी जब फोन में कुछ कांड हो। मी 11X सीरीज जो है 23 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। इनकी प्राइस दोस्तों बाहर आ गई है और ये जो प्राइस लीक हुई है ये मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मी 11X जो रेडमी K40 का रीब्रांड होगा अराउंड 25,000 to 27,000 के बीच में, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि 8128 और 8256 दोनों में आपको ऐसे वेरिएंट्स मिलेंगे, मी 11X और मी 11X प्रो। जो मी 11X इसका जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होगा 30,000 से इंडिया में और उसके ऊपर एक हाइयर वाला भी होगा जो 32,000 का होगा, और मी 11X प्रो 37,000 से स्टार्ट होगा और उसके ऊपर एक आएगा 39,000 का। तो मुझे लग रहा था कि एकदम एग्रेसिव प्राइस पर हो गए, तो लेकिन थोड़ी ज्यादा हो गई ये प्राइस,
ऐसा लगता है। अभी तो सिर्फ लीक हुआ है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जब होगा तो 23 तारीख को आपको पता चलेगा। वैसे क्या लगता है दोस्तों, क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट करते हैं मी 11X सीरीज की, कमेंट में ना जरूर से बताना। ऑलराइट, तो पोको F2 फर्स्ट लुक, हाँ आप देखने के लिए तैयार हो तो ये देखिए, ये है Redmi K40 गेम एनहांस्ड एडिशन। ये वही Redmi का गेमिंग फोन है जो चाइना के अंदर इसी महीने लॉन्च होने वाला है। इसकी बहुत सारी और भी फोटोज बाहर आ गए, लेकिन इसमें दोस्तों ये वाले फोटो में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आपको स्लाइडर भी मिल रहा है और शोल्डर बटन्स वगैरह आपको मिल रहे हैं। जो बैक साइड है वो एकदम मस्त, एकदम गेमिंग स्टाइल में आपको मिल रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 1200 वाली आपको चिपसेट मिलेगी। तो यस, और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये जो फोन है वो इंडिया में पोको एफ सीरीज में ही आएगा। और ऐसे ही लग रहा है कि पोको F2 जो है वो ये वाला फोन हो सकता है। नॉट बैड, अच्छा फोन है दोस्तों, बस क्या प्राइस पर वहां जाता है और कितना जल्दी किस नाम के साथ में इंडिया में कब आता है, हमें उसका इंतजार है। आइए 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 आराम से, तू हमेशा गाली देता है, तो कोने मारेगा पानी नहीं मांगेगा सर। चलो दोस्तों, एपेक्स लेजेंड्स आपको तो पता ही रहेगा इस गेम के बारे में, बहुत ही मशहूर बैटल रॉयल गेम है, पीसी कंसोल्स वगैरह में चल रहा था और काफी टाइम से इसके जो डेवलपर्स है वो बात कर रहे थे कि हम उसको मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी लेके आएंगे। अब दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है, एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल दोस्तों आ रही है। फिलहाल के लिए इसका उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दिया है इंडिया में सबसे पहले। क्या बताए बाबू, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ रहेगा ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ ऐसा भी मुझे लग रहा है। खैर एनीवेज, तो प्री रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ प्ले स्टोर की, जाके प्री रजिस्टर करके बने रहिए। और थोड़े बहुत उसके फोटोज वगैरह बाहर आ गए, देखकर तो काफी कूल लग रहा है, ग्राफिक्स मुझे काफी बढ़िया लग रही है। इंडिया और फिलीपींस वैसे उन्होंने ऐसी शुरुआत करी और फिलहाल के लिए सिर्फ एंड्रॉइड है, बाद में iOS में भी आ जाएगा और धीरे धीरे ग्लोबली भी इसको अवेलेबल करेंगे। अभी गेम कभी आएगा उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जाके रजिस्टर करके बने रहिए। आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस गेम, आर यू? कमेंट देख, तो फिर ये गाली दे, रुक। Realme 8 5G परसों इंडिया में दोस्तों ये फोन लॉन्च होगा, डायमेंसिटी 700, इंटरेस्टिंग चिपसेट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने टेस्ट किया है और देखते हैं क्या प्राइस पर ये फोन आता है। Realme 8 Pro 5G भी आएगा, लेकिन वो परसों नहीं आएगा, वो Geekbench पर लिस्ट हो गया है और बताया जा रहा है कि इसमें स्नैपड्रैगन 750G है। इंटरेस्टिंग, देखिए दोस्तों पहले ये सब कर लेते, समझ रहे हैं, तो ये सब सीन नहीं होता था। अब देखते हैं दोस्तों कितना जल्दी Realme 8 Pro आता है, क्या प्राइस होती है और Realme 8 5G की क्या प्राइस रखते हैं, हमें 22 तारीख को ही पता चलेगा। वैसे Xiaomi दोस्तों एक बहुत ही अतरंगी फोन पर काम कर रहा है जिसका पेटेंट यहां पर लेट्स गो डिजिटल पर बाहर आ गया है। इसमें दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलेगा, रियर कैमरा देखेंगे तो जिगजैग शेप में आपको मिल रहा है और इसमें कोई पोर्ट्स नहीं है, कोई बटन्स नहीं है। और ये देखकर मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है कि आगे चल के फोन्स कहीं ऐसे ना हो जाए कि कोई पोर्ट्स नहीं, कोई बटन्स नहीं, बटन्स की जगह प्रेशर सेंसिटिव होगा और पोर्ट्स नहीं तो मतलब वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस ईयरफोन्स। माय गॉड, दिस इज वेरी स्कैरी। हाँ मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में और इस फोन के बारे में, कमेंट में ना जरूर से बताना। क्या मतलब कि दोस्तों इंडिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया, एनी गेस? टाटा ग्रुप। जी हाँ, आज की रेट न्यूज़ खत्म होती करता, आपको आज की रेट न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आई मारेगा, मारू मुंह पे स्प्रे मारू, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।